What's up, मेरे भाइयों, दिस इज सोनिक एंड आई एम बैक विद अनदर पबजी मोबाइल, बट दिस टाइम न्यूज़ वाली वीडियो. यस, तो भाई इधर पबजी वालों ने ना अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है कि पबजी बैन होके रहेगा इंडिया में, या फिर भाई ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट वीडियो के अंदर चलते हैं. तो हाँ भाई, पबजी वालों ने इधर ऑफिशियल स्टेटमेंट अपनी ये दी है. सबसे पहले वो लोग भाई पहले पैराग्राफ में बोलते हैं कि भाई हम जितने भी स्ट्रीमर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर और कम्युनिटी, उन सबको हम थैंक यू बोलते हैं हम सब जो कोऑपरेट करने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि बैन क्यों हुआ था, और जो बैन था बिल्कुल राइट था गाइस. इधर पबजी मोबाइल वाले एग्री करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था वो बिल्कुल ठीक लिया था, क्योंकि टेंसेंट था वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी, जो हम प्लेयर्स की डेटा पूरा कर, जो हमारा डेटा था उसको टेंसेंट स्टोर कर रहा था, और ये पूरा का पूरा पबजी मोबाइल ने एग्री करा है, और उसने पूरी पूरी गवर्नमेंट के इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करा है. और गाइस, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन भी लोगों ने पबजी मोबाइल का जो भी अपडेटेड वर्जन आया है अनऑफिशियल सोर्स से डाउनलोड करा है, ब्रो मत करो, मैं आगे वीडियो में चल के बताऊँगा क्यों नहीं करना है. और गाइस, इसका जो हमारा पबजी मोबाइल के जो जितने भी बंदे हैं, ये लोग हमें बताते हैं कि जो पबजी मोबाइल का वर्जन है, ठीक है, वो साउथ कोरियन कंपनी के साथ लिंक्ड है, प्योर साउथ कोरिया के साथ वो लिंक्ड है. यस गाइस, पूरा साउथ कोरिया का है पबजी मोबाइल अपना. ब्लू होल जो कंपनी है वो साउथ कोरिया की है, और टेंसेंट अपनी चाइना की कंपनी है. हाँ, तो भाई जो चाइना की कंपनी थी उन्होंने उनके साथ फ्रेंचाइजी और पार्टनरशिप दोनों तोड़ दिए. यस, जिसकी वजह से इंडिया में पबजी मोबाइल का या तो ग्लोबल वर्जन ही रीलॉन्च होगा, या फिर ग्लोबल वर्जन ना होकर जैसे पबजी मोबाइल का केआर वर्जन है, वियतनाम वर्जन है, चाइनीज़ वर्जन है, वैसे ही पबजी मोबाइल का आईएन वर्जन लॉन्च होगा इंडिया में, ये जिसके भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है. तो गाइस, उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि हम पूरे इंडिया के अंदर ग्लोबल के साथ मिलके पूरा पबजी मोबाइल को एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, बैटल रॉयल का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस. और भाई, इस चीज़ को लेके रीजनल बेस एक्टिविटी जितनी भी होंगी वो सारी की सारी पबजी मोबाइल के ऑफिशियल पेज पे अपडेट होती रहेंगी. हाँ तो गाइस, बस इतना ही था ये जो पबजी वालों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है. हाँ तो गाइस, देखो अपने ना बिल्कुल ऑफिशियल सोर्स से जो न्यूज़ 18 है, टीवी पे भी आया था, टीवी पे तो आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड, और भाई जब अपना जो ये न्यूज़ 18 की वेबसाइट है उस पर भी आया है कि भाई पबजी मोबाइल ऑफिशियली अनबैन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई 99.99% चांसेस हैं अनबैन होने के पूरे, और 100% इसलिए नहीं भाई, देखो क्योंकि डिटॉल भी 100% जम्प्स नहीं मारता, वो भी 99.99% मारता है, तो भाई हम कोई चीज़ 100% कैसे बोल सकते हैं. यस, तो गाइस इसलिए 99.99% है कि पबजी मोबाइल ऑफिस आएगा. और दूसरी बात गाइस, जो अपने धनंजय टेक हैं, जिनको नहीं पता वो कौन है, मैं बता दूं कि भाई उनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है अबाउट टेक, एंड जितने भी स्टफ आते हैं पूरे का उनसे रिलेटेड है. तो भाई उनका सुबह सुबह पबजी का अकाउंट बैन हुआ जब उन्होंने थर्ड पार्टी सोर्स यूज़ करा टू डाउनलोड पबजी मोबाइल. यस, उन्होंने पबजी मोबाइल की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करा, सो इट इज़ ऑल्सो थर्ड पार्टी बिकॉज यू आर यूजिंग योर ब्राउजर फॉर इट. समझ रहे हो, आप लोग बोलोगे कि भाई तो गलत बोल रहा, पर रियलिटी इज़ दिस, क्योंकि पबजी में इंडिया बैन हो चुका है, ठीक है. पबजी मोबाइल के अगर आप .com वाले वर्जन से, जो कॉम आपका ग्लोबल है, उससे अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपका पबजी मोबाइल पे बैन पड़ना 100% पक्का है, क्योंकि आपको जो IP है, जो आपका इंटरनेट ऑपरेटर है, वो तो इंडिया का है ना, क्योंकि वाईफाई की बात अलग है, वाईफाई पे VPN वर्क करता है. पर अगर आप भाई मोबाइल डेटा पे ये कर रहे हो, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडा हो गया, अगर आप इस पर डाउनलोड कर रहे हो तो भाई 101% आपका बैन पड़ना ही पड़ना है. सो गाइस, मेक श्योर आप लोग इनसे डाउनलोड ना करो. और गाइस, मैं आप लोगों को बोलूँगा, आप डाउनलोड करना ही क्यों है भाई, वेट करो. इधर धनंजय भाई का 10 साल का बैन पड़ा है, उनके जो ट्वीट पे लोग आए हैं उनका और बैन पड़ा है, तो भाई डाउनलोड यार ऐसा करना ही क्यों है जिस तुम लोगों का बैन पड़े यार. सिंपली चिल मारो, वेट करो भाई, पबजी मोबाइल आएगा तो सबके लिए आएगा ना, अभी डाउनलोड करके कोई फ़ायदा नहीं है. गवर्नमेंट के डिसीजन को रिस्पेक्ट करो, डाउनलोड मत करो. एप्पल के जो जिनका भी फ़ोन है वो कंट्री रीजन चेंज करके डाउनलोड कर रहे हैं भाई, इवन मैंने भी करा था, आई अनइंस्टॉल इट लेटर ऑन बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गाइस मैं तो बस ट्राई करने के लिए करता कि अकाउंट बैन होता ही नहीं होता, मैंने रिस्क उठाया था, मेरा अकाउंट अनबैन नहीं हो क्योंकि मेरा ट्रस्टेड सोर्स था, मैंने ऐप स्टोर से करा था, पर गाइस मैंने भी अनइंस्टॉल कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट जाना इज नॉट अ वे. सो आई विल सजेस्ट यू गाइस टू जस्ट वेट फॉर ऑफिशियल अपडेट, क्योंकि मैक्सिमम 3-4 दिन में आ जाएगा. तो गाइस समझो, आप ये बात को कोऑपरेट करो, आई होप मेरी, क्योंकि जनता समझदार है यार, मैं समझता हूँ भाई, थोड़ा कोऑपरेट करो, क्योंकि 10 साल का बैन कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, जिन बंदों 3-4 लाख रुपये मिनिमम पबजी पे लगाए होंगे भाई, वो स्पेशली बंदे नहीं कर सकते. एंड यस गाइस, और एक और बात मजे की, भाई सीज़न 15 आने वाला है पबजी, अगर 99.99% वापस आ जाता है इंडिया में तो अपना सीज़न 15 आ जाएगा. यस, हाँ जी भैया, चाइनीज़ वर्जन अपना जाने वाला है, इंडियन वर्जन आएगा, इसका भाई
चलो रॉयल पास का गिव अवे रखते हो, ठीक है। सीज़न 15 का रॉयल पास का गिव अवे का भी अनाउंसमेंट मार देते हैं। तो भाई जो सीज़न 15 का अपना रॉयल पास का गिव अवे होगा वो होगा बहुत ही खास, ठीक है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 15 लोगों को 600 यूसी वाले रॉयल पास मिलने वाले हैं। हाँ जी, और सबको पूरे के पूरे जो क्या बोलते हैं रॉयल पास मिलेंगे वो मिलेंगे रियो टीवी पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में रियो टीवी का, भाग के आ जाओ फटाफट, उधर अपन मस्ती मस्ती में डेली कस्टम करके ना 15 दिन में 15 रॉयल पास का गिव अवे मारेंगे। तो वेट किसका कर रहा है, आ जाओ फटाफट उधर भाई। और हाँ गाइस, मैं डेली 6 बजे रियो टीवी पे स्ट्रीम मारता हूँ, जिसको देखना भाई मस्त मक्खन देखना यार, यूसी जीतना, यूसी नहीं तो कुछ ना कुछ तो जीत ही जाओगे सच में भाई। और भाई जिसको भी वीडियो पसंद आई भाई लाइक करना, और अगर ये वीडियो भाई आपको 1% भी हेल्पफुल लगी हो, हाँ कि भाई इस बंदे ने हेल्प करी है, तो ब्रो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं दिल की प्यारी प्यारी बातों को कमेंट में लिखना, अगर मैंने कहीं चीज़ पे कमी करी है इस कमी मतलब इस वीडियो में मैंने कोई कमी छोड़ी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भाई तूने इधर गलती कर दी, तूने इन्फॉर्मेशन गलत दी थी, ये दिया तो भाई मैं आगे से वो चीज़ करने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि बोली जो गलती है वो रिपीट ना हो। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और जितनी भी मैंने ये आपको आर्टिकल दिखाया है सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप खुद जाके वेरीफाई कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, मिलते हैं दोबारा, लव यू ऑल, दिस इज योर सोनी बाय। 27 हार्ट्स बीट।